दोस्तों रामायण को लेकर कई लोगों में कई तरह की गलतफहमियां हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि कुछ लेखकों और कथावाचकों ने अपनी किताब में जो लिख दिया लोग उसी को सच मानते हैं, जबकि वह असल में सत्य नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको रामायण के 7 महाझूठ बताने वाला हूं और साथ ही साथ इन झूठों का क्या सत्य है वो भी इन्हीं के साथ ही मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बात करते हैं रामायण के सबसे पहले झूठ की। दोस्तों रामचरितमानस एक किताब है जो श्री तुलसीदास ने लिखी है। इस किताब में उन्होंने लिखा है कि भगवान राम और रावण का युद्ध सिर्फ 32 दिन चला था, जबकि कई विद्वानों का कहना है कि इनका युद्ध कई महीनों चला था। लेकिन दोस्तों सच्चाई तो ये है कि इनका युद्ध कितने दिन चला ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन रामचरितमानस किताब के दौरान इनका युद्ध सिर्फ 32 दिन चला, इसमें जरी सी भी सच्चाई नहीं है। तो अब बात करते है रामायण के दूसरे महाझूठ की। दोस्तों जब भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण 14 वर्षों के वनवास के लिए गए थे तो वहां लक्ष्मण बिल्कुल भी नहीं सोए थे, ऐसा तुलसीदास ने रामायण में लिखा है। लेकिन अगर पुराने हिंदू विशेषज्ञों की माने तो उन्होंने बताया है कि भगवान राम सुबह उठकर स्वयं लक्ष्मण को जगाते थे। अब अगर तुलसीदास ये लिखते कि रावण से लड़ाई के दौरान भगवान लक्ष्मण कई दिनों तक नहीं सोए थे तो उनकी इस बात पर पुराने विशेषज्ञ भी यकीन करते, लेकिन भगवान लक्ष्मण 14 वर्षों तक नहीं सोए तो ये साफ साफ एक महाझूठ लगता है। तो अब बात करते हैं रामायण के तीसरे बड़े झूठ की। दोस्तों अगर आपने रामायण देखी है या रामायण के बारे में सुना है तो ये बात आपने एक न एक बार जरूर सुनी होगी कि सबरी ने श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को अपने झूठे बेर खिलाए थे। लेकिन ये बात महज एक अफवाह है जो कुछ लोगों के द्वारा फैलाई गई है, जबकि स्वयं महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई रामायण में ये बात कहीं भी नहीं लिखी गई है कि सबरी ने श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को अपने झूठे बेर खिलाए थे। बल्कि महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है कि सबरी ने श्री राम और श्री लक्ष्मण दोनों के पैर छूकर उनका अतिथि सत्कार किया और उनको बेर खाने के लिए दिए थे जो वह एक वन से तोड़कर लाई थी। और ये खुद भी समझने वाली बात है कि सबरी जैसी समझदार बूढ़ी औरत भगवान राम और लक्ष्मण को अपने झूठे बेर क्यों खिलाएगी। तो अब बात करते हैं रामायण के चौथे बड़े झूठ की। दोस्तों आपने रामायण में अक्सर सुना होगा और शायद देखा भी होगा कि रावण का भाई कुंभकर्ण 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है। लेकिन दोस्तों इस बात का इतिहास में कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता और ये एक सोचने वाली बात है कि कुंभकर्ण जैसा भारी भरकम इंसान 6 महीने तक कैसे बिना कुछ खाए रह सकता है। हाँ कुछ पुराने विद्वान है जो कहते हैं कि कुंभकर्ण सोता था तो वह कुछ दिन सोता रहता था और जब जागता था तो वह जल्द ही दोबारा सो जाता था, लेकिन साल में 6 महीने जागता था और 6 महीने सोता था ये एक महाझूठ है। तो अब बात करते हैं रामायण के पांचवें बड़े झूठ की। दोस्तों सभी लोगों के दिमाग में ये छवि बन रखी है कि रामायण के बाद भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण की मृत्यु हो गई थी, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन तीनों की मृत्यु नहीं हुई थी बल्कि इन तीनों ने अपने जीवन को खुद त्यागा था। अब कैसे त्यागा था चलिए जानते हैं। दोस्तों एक बार भगवान राम ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया, उस यज्ञ में भगवान राम की मुलाकात लव और कुश से हुई। इस सभा में भगवान राम को पता चला कि वह स्वयं उनके ही बेटे हैं। ये बात जानते ही भगवान राम आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने सीता माता को कहा अगर वह निष्पाप है तो वह सभा में आकर अपनी पवित्रता प्रकट करें। इसके बाद सीता माता सभा में आई और वह नीचे मुंह कर बोली, हे धरती माँ, अगर मैं पवित्र हूँ तो धरती फट जाए और मैं धरती में समा जाऊं। इसके बाद धरती फटी और पृथ्वी देवी बाहर निकली जो सीता माता को उनकी इच्छा के अनुसार अपने साथ पृथ्वी के अंदर ले गई। तो इस तरह सीता माता ने अपने जीवन को अपनी इच्छा अनुसार त्यागा। अगर बात करें भगवान लक्ष्मण की तो जब भगवान राम एक कमरे में यम से बात कर रहे थे तो भगवान राम ने भगवान लक्ष्मण को एक कमरे के बाहर खड़े होने के लिए कहा, क्योंकि यम ने राम को पहले ही कह दिया था अगर कोई व्यक्ति उनकी बात को सुनेगा या उन दोनों को बात करते हुए देखेगा तो उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो जिस समय श्री लक्ष्मण इस कमरे की निगरानी कर रहे थे उसी समय ऋषि दुर्वासा आए और उन्होंने कहा अगर उन्हें राम से नहीं मिलने दिया जाएगा तो वह अयोध्या को श्राप दे देंगे। अब मजबूर होकर लक्ष्मण कमरे में गए और ना चाहते हुए भी भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को श्राप दिया कि वह देश छोड़कर चले जाएं। ये श्राप
सुनते ही भगवान लक्ष्मण सरयू नदी की ओर गए और उसमें समा गए। इसके बाद भगवान राम भी सरयू नदी के अंदर चले गए और इसके कुछ देर बाद वह अपने असली अवतार भगवान विष्णु के रूप में आ गए। तो इस तरह भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण ने अपने जीवन को त्यागा, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई। तो अब बात करते हैं रामायण के छठे झूठ की। दोस्तों, आपने सुना होगा कि रावण का बेटा मेघनाथ मायावी होने के साथ साथ एक निडर योद्धा था, जो कि सच बात है, लेकिन कई बार सुनने में आता है कि मेघनाथ का वध सिर्फ लक्ष्मण के हाथों ही हो सकता था और रामायण में भी भगवान लक्ष्मण ने ही मेघनाथ का वध किया था। तो दोस्तों, ये एक झूठी बात है कि मेघनाथ का वध सिर्फ भगवान लक्ष्मण ही कर सकते थे। अगर भगवान राम चाहते तो वह खुद या श्री हनुमान जी से या फिर अंगद से कहकर भी मेघनाथ का वध करवा सकते थे। इनमें भी मेघनाथ को मारने की काबिलियत थी। तो अब पर्दा उठाते हैं रामायण के सातवें महाझूठ से। दोस्तों, ये बात सोशल मीडिया पर पिछले कई सालों से फैलाई जा रही है कि सीता माता इतने सालों तक रावण की लंका में रही तो ऐसा कैसे हो सकता है कि रावण ने उनको छुआ तक नहीं। दरअसल दोस्तों, जैसी रावण की छवि हमारे दिमाग में बना रखी है, उससे ये सवाल उठना लाजमी है। रावण ने सीता माता को लंका में प्रवेश करते ही कहा था कि मैं तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें छूऊंगा भी नहीं, जो कि एक सत्य बात है। और ऐसा कई कथावाचकों और लेखकों ने रामायण के कई डिफरेंट वर्जन्स में लिखा है। तो अगर आपको कभी भी कोई रामायण के ये सात झूठ बताए तो आप उसको इन सात महाझूठों की सच्चाई बता सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी जानकारी मिली होगी। अगर मिली है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और इस तरह की और ज्यादा जानकारी से जुड़ी हुई वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके जरूर क्लिक करना। और अगर आपका कोई दोस्त है जिसको आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर हो सकती है तो प्लीज उस दोस्त में इस वीडियो को जरूर जरूर शेयर करना। और अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे जरूर कमेंट करना। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।